नमस्कार दोस्तों, तो आपका पार्ट सेकेंड में आपका स्वागत है। हम उच्च इंडियन यूट्यूब चैनल योगेश जमरे और अपने भाई प्रीत जमरे जो बहुत ही हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो अभी हम जैसे कि ढाबा बावड़िया आ गए, वहाँ का बना दिया वीडियो बना दिया है और अभी हम जैसे कि और आगे ऊपर पहाड़ी पर चलना है। तो यहाँ पर एक बावड़ी है जो आप देख रहे हो, ये इसके पीछे है, तो वो दिखाना चाहता हूँ मैं। तो दिखा देता हूँ यहाँ से आपको पीछे कैमरे से। तो दोस्तों, हमने अभी वावड़ी देखी है जो पीछे, और इसके बाद अभी हम पहाड़ पे जा रहे हैं भीमा नायक की, जहाँ पर गुफा है उनका, जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। तो चलते हैं, यहीं पे अभी तो थक गए हैं, पर आगे क्या होगा अभी चलते हैं। तुम्हारी उम्र अतरी बूढ़ा होगा, यहाँ तक निकल गई, तो भीमा नायक के बारे में कहीं बताए थोड़ी बहुत? भीमा नायक के बारे में कहीं बतावा। भीमा नायक बांगला बाजा और यहाँ राजस्थरी का राज करा बने। अच्छा, ग्यारह लाख रुपये राज करा है ना। 11 लाख रुपये इनको दान, चाहे वो चोरी नहीं करा उनको, ऐसा बहुत हमारे बाप का बाप बोलते थे, ये बोलता था कि वो तो राज करा और यहाँ से कई और ये बंगला बांधा है, बावड़ी ना बांध, तीन बावड़ी। अच्छा, हाँ चाहे तीन बावड़ी है, एक बावड़ी ये ढाबा बावड़ी, ढाबा बावड़ी वो दमड़ी बावड़ी वो आगे वाली, हाँ हाँ, एक वो झाला बावड़ी। अच्छा, तो दादा उसको हमको पता है, पता चला है कि यहाँ पे तीन बावड़ियाँ थी, एक ढाबा बावड़ी है और दूसरी दमड़ी बावड़ी, धमड़ी बावड़ी और तीसरी झाला बावड़ी, झाला बावड़ी है ना, झाला बावड़ी। तो हमको फाइनली पता चला है दादा से कि यहाँ पे तीन बावड़ियाँ हैं, एक ढाबा बावड़ी है और इस तरह से तीन बावड़ियाँ भीमा नायक की है। आगे बात और कुछ बोलना चाहोगे आप? दूसरा और दुई एक महल का उधर एक टाका बदला है और उनका भीमा नायक का, क्योंकि तालाब है, तालाब का बोलते हैं। हाँ, तालाब बोलते उसको। हाँ, जो वो एक उधर है बदला। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ की तीन बावड़ी के बारे में कुछ जानकारी ली, दादा ने बताया था हमको, जो बुजुर्ग 90 साल के हो गए है। और इंटरव्यू जो दादा से उनने पूछा था, ये प्रीत भाई, प्रीत जमरे और योगेश जमरे भाई भाई तो ये हमको YouTube के जरिए ही पता चला कि प्रीत जमरे यही रेगुन रहते हैं, तो YouTube फैमिली है हमारी, ये सब बहुत सारी फैमिली है आदिवासियों की। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने सिलावत रोड की तरफ अपनी गाड़ी चल्लू कर दी है और यहाँ से अभी
दोस्तों अभी हम वहाँ से रोड पे से अभी अंदर आए हैं पहाड़ पे चलने के लिए। तो यहाँ पर हमारे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ पर हम थोड़ा उनसे परमिशन ले लेते हैं आगे जाने की, कोई हमको दिक्कत ना आए। और यहाँ पर अभी दोस्तों अभी हमने भगवान से प्रेयर कर ली है कि हमको ऊपर जाने में कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ से अभी इस साइड से अभी हम ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ से अब पैदल जाना है बहुत ही ऊपर जो पहाड़ी है, जहाँ पर भीमा नायक की जहाँ पर वो रहते थे उनका मकान, और ये सब पूछना है, पूछना क्या देखना है। तो चलते हैं। तो दोस्तों आप देख ही रहे हो रास्ता है, रास्ता बहुत काफ़ी दूर है यहाँ से, और पूरा महल पहाड़ी क्षेत्र में है। हम इतनी ऊपर आ गए हैं यहाँ से, अब चाहे तो देख सकते हो आप काफ़ी ऊपर आ गए। यहाँ से अभी हमको बहुत सारा सफ़र तय करना है, हमको ऊपर जाना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे किसान लोग बहुत सारे कृषि कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों ऊपर चढ़ रहे हैं और हमारे आए थे, और यहाँ पर कुछ टूटा फूटा मकान है, शायद भीमा नायक का ही हो सकता है, शायद भीमा नायक। तो अभी हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा खंडर टाइप का हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि मेन वर्सेस वाइल्ड बन गए हैं। है वो तो आदिवासी हैं हम, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर लोकेशन है जो टूट गया है, बहुत ही मतलब बहुत ही पुराना है, जो भी अभी भी टिका हुआ है यहाँ पर। और दिखाते हैं यहाँ पे पीछे से, ये जैसे कि वहाँ पर रोड साइड है, वहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, और अभी और ऊपर जाना है। जैसे
दोस्तों आप यहाँ आओ तो, मतलब अभी तो बहुत गर्मी लग रही है, पानी की बोतल लेकर ज़रूर आइए। बहुत ही गर्मी लग रही, बहुत ही गर्मी लग रही है, पर पानी की बोतल अभी हम क्या भूल गए थे, रास्ते में याद आया, पर हमने कहा चलो ठीक है एक दिन पानी नहीं पिया तो क्या हो जाएगा, पर जाके नीचे जाके पी लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, थक गए थोड़ा, बैठे हैं, तो आगे का और बताएंगे आपको यहाँ का लोकेशन। तो अब यहाँ से हम रेस्ट कर लिए और आगे और जा रहे हैं, अभी तो और बहुत ही दूर जाना है हमको भी। बहुत मतलब मेरे को बहुत शौक था यहाँ पर आने का, क्योंकि मैं अभी तक आया ही नहीं हूँ, और इस कारण भी फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है ट्रेवलिंग करना और ऐसे व्लॉग शूट करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम चल रहे हैं और आपको भी लोकेशन बताते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पगडंडी है, जैसे कि आप देख रहे हो पगडंडी है, और प्रीत भाई, हमारे प्रीत भाई जो आगे रास्ता बताते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही थक गए हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा पर फील हो गया है कि बहुत ही थक गए। फाइनली हम बस थोड़ी सी दूर हो रहे, वो बैक साइड में पीछे दिख रहा है जहाँ पर शहीद भीमा नायक की गुफा और घर है उनका। तो यहाँ का और बैकग्राउंड लोकेशन कुछ ऐसा है, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से सब कुछ दिख जाता है, जहाँ से हम रोड पे से आए थे वो भी दिख जाता है। दोस्तों अभी हम बस थोड़ी दूर और है, फिर वहाँ पर जहाँ मुकाम है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। बहुत थक गए हैं और अभी एक बार का मैं खिसल चुका हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप जूते पहन के ज़रूर आइए, चप्पल से मत आना, हमने गलती कर दी है। तो
तो फाइनली हम जहाँ पर आना था वहाँ पर आ चुके हैं, शहीद भीमा नायक के घर, जहाँ पर जब वो रहते थे और जहाँ से उनने युद्ध लड़ा। तो फाइनली आपको हमने यहाँ का लोकेशन भी बताएंगे। और यहाँ पर कुछ बनाया गया है, पता नहीं ये क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि ये चीज़ क्या बनी गई है। आपको हम अंदर से भी बताएंगे, पहले बाहर का पूरा बैकग्राउंड लोकेशन बता देते हैं इसका, फिर वहाँ से आपको अंदर का भी बताएंगे। और ऊपर और भी है, तो दोस्तों हमने अब आपको यहाँ का अंदर से जो भीमा नायक की गुफा टाइप का बना हुआ है, तो कुछ ऐसा लोकेशन है अंदर। भीमा नायक जी हमको माफ़ करना, पर हम आपकी इतिहास को बताना चाहते हैं यहाँ पर सभी को कि हमारे भीमा नायक, हमारे पूर्वजक कुछ यहाँ ऐसे ही बंगलों में रहते थे। तो आपको मैं इधर से बताता हूँ क्या बताना, ये पहले यहाँ से गुफा थी तो बंद कर दी गई है, मतलब पहले। तो दोस्तों पहले यहाँ पर शायद गुफा थी जो अभी बंद कर दी गई है, और प्रीत भाई बता रहे हैं कुछ ऐसा है लोकेशन। दो रास्ते थे गुफा के, एक ये एक वाला और एक ये भी रास्ता था, जो भी फ्लैश लाइट ऑन करना ज़रा। कुछ ऐसा है, ठीक है आगे जाओ, मतलब इस गुफा ऊपर सुरंग टाइप बनी है लाइट की रोशनी के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से अब जो बीम टाइप भी बने हुए हैं जो आप देख चुके हो, और शायद यहाँ पर भीमा नायक, मतलब यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति रखते थे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ का अंदर का जो भीमा नायक रहते थे, अभी तो यहाँ पर है, ऊपर थोड़ी सी और ऊपर है, और मतलब इस टाइप से बना हुआ है महल जो भीमा नायक रहते थे यहाँ पर। कुछ ऐसा लोकेशन था यहाँ पर, और अभी यहाँ से सीढ़ियाँ भी है जहाँ से आपको हम ऊपर भी चढ़ के बताएंगे। तो आइए यहाँ पर भी आइए, पर नीचे एक बार पूजा करके ज़रूर आइए, जहाँ पर नीचे धावा बावड़ी का जो अभी बना गया है 2010 समथिंग में बना गया है, वहाँ पर पूजा करके ऊपर आइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक बार गिर चुका हूँ, मेरे पांव फिसल गया था, और जूते पहन के ज़रूर आइए यहाँ पर। तो अभी हम ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे कि अपना छत का मकान रहता है वैसे यहाँ पर भी उस समय पर यहाँ से जो लोग भीमा नायक जी ऊपर जैसे कि देखते थे कि दुश्मन कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर एक टेरिस था जो बहुत ही अच्छा है। ज़रूर एक बार आइए यहाँ पर, एक बार ज़रूर हमारे भीमा नायक, हमारे भगवान से मिलने आइए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे प्रीत भाई अभी ऊपर चढ़े हैं और यहाँ पर उनका टेरिस है, और आपको मैं वहाँ पर भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ का कुछ लोकेशन इस साइड का है कि यहाँ पर पूरी हमारी सतपुड़ा की पहाड़ी में ढका हुआ है, पहाड़ी के ऊपर है, और यहाँ से वो रोशनी का जहाँ पर आपको मैंने बताया था लाइट की व्यवस्था। तो दोस्तों आपने यहाँ का लोकेशन देखा,
तो यहाँ पर भीमा नायक जैसे भी कुछ भी सामान लूट के आते थे और यहाँ पर रखते थे और यहाँ से सभी आदिवासी गरीबों को बांटते थे। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ से शायद किलोमीटर तो हिसाब से नहीं बता सकता पर बहुत ही दूर है यहाँ से रोड, और वहाँ जहाँ पर अभी 2010 में जहाँ उनकी स्मारक बनी है प्रेरणा केंद्र, वो भी दिख जाता है यहाँ से, छोटे छोटे गांव भी दिख जाते हैं। तो आपको आना हो तो ज़रूर यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए यहाँ का लोकेशन, और बहुत अच्छा रहेगा। पर मतलब बरसात टाइम में आइए तो ज़रूर आइए हमारे भीमा नायक से मिलने, और सच्चे मन से आइए, क्योंकि ऐसा हमने मैंने मतलब कुछ पूछा है कि यहाँ पर कुछ जैसे कि गिरने का चांस भी रहता है, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। मतलब यहाँ पर अभी भी भीमा नायक, मतलब ऐसा लगता है कि भीमा नायक जी यहाँ पर रहते हैं। अभी मैं एक बार का गिर चुका हूँ वहाँ पर, पाँव फिसल गया था। मैं पूरी मतलब प्रार्थना से उनसे प्रे करके आया था कि मैं ऊपर आपका लोकेशन बनाने जा रहा हूँ, तो आप मुझे मतलब वहाँ का मतलब आप वहाँ के मुझे दे दे इजाज़त दे दे कि मैं वहाँ की लोकेशन का आपको शूट कर सकूँ, और आप हमारे निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक के बारे में हर कोई को बता सकूँ। जैसे कि अभी पहले अपन टंटे मामा और इनको ही पहचानते थे बुक्स होने में, तो अभी जैसे कि भीमा नायक की मूवी बनाई हमारे सूर्या डोडवे जी ने, जिनके डायरेक्टर है सूर्या डोडवे जी, उनसे मिले तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप पहले पूजा पाठ करके जाना और ऊपर जाना तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने ये वाला महल देखा है भीमा नायक जी का, और अभी अपन और ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी हमारे कैमरामैन हमारे प्रीत जमरे जी बने हुए हैं, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं उस लोकेशन पे। तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर आइए, हमारे भीमा नायक जी से मिलिए, कभी आपकी किस्मत होगी तो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे गन और फाले के साथ में। अभी तो हमारी किस्मत नहीं, पर मुझे बता दिया गया है कि मैं यहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं फिसल गया था। मैं बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, सिस्टमेटिक तौर से चल रहा था, पर मुझे बता दिया भीमा नायक जी ने कि मैं यहीं रहता हूँ। और ठीक है, भीमा नायक जी यहीं रहते हैं तो हमको अभी फ्यूचर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप हमारे साथ हो। हम यहाँ पर आ गए हैं जो थोड़ी सी ऊंचाई पर और है, जहाँ पर शायद मेरे को यहाँ पर बावड़ी दिख रही है। हमको बहुत ही आनंद आया यहाँ पर आके। तो दोस्तों मेरे को लगता है यहाँ पर भी कुछ मतलब वो सोल्जरिंग में कैसा करते हैं उस टाइप का यहाँ पर बना रखा हुआ है। दोस्तों ये हमारी सतपुड़ा की पहाड़ी, तो दोस्तों अभी हम नीचे जैसे कि वहाँ हम अपने महल दिखाया था जहाँ पर भीमा नायक जी रहते, उसके बाद थोड़ा कुछ लोकेशन यहाँ पर इस टाइप से है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर अभी टूट गया है जो पत्थर और क्या बोलते चूने से बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ से आपको दिखा दिया है यहाँ से पूरा आपको। तो ये हमारी सतपुड़ा की पहाड़ी जहाँ पर भीमा नायक जी रहते थे, हमारे शहीद भीमा नायक जी, और जिनकी याद में हम दिवस भी मनाते हैं। और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज जो चील कॉलेज है उसका नाम शहीद भीमा नायक से रख दिया गया है अभी कुछ समय पहले, सालों पहले, पहले कुछ अलग नाम से था। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, आप स्किप करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ हमारे भीमा नायक का तो पूरा वीडियो देखिए, यहाँ का आपको बहुत अच्छी तरह से हमने लोकेशन शूट करके दिखाया है। तो ये हमारे प्रीत भाई जो अभी इनने हमारी हेल्प करी है, तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और हम भी ऐसे व्लॉग आपके लिए